हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करवाएंगे आपको। और ये सावन का महीना है और आप देख सकते हैं कितना भीड़ लग रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तैयारी इतना मतलब अच्छे ढंग से हुई है कि इस बार कोई भी भगदड़ या कोई भी चीज समस्या नहीं हो रहा है। भक्त देखिए एकदम आराम से दर्शन कर ले रहे हैं। देखिए चारों तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल आराम से लाइन लगा हुआ है। और ये गंगा द्वार वाला ये गेट है और देखिए सामने बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी होगा। देखिए आइए आपको करवाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शन आपका होगा। आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आइए, एकदम आराम से आपको दर्शन मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि सावन की वजह से आपको दिक्कत होगा। और देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा गर्भ भी। और देखिए जगह जगह पे आपको जल पीने के लिए सारा सिस्टम है। और देखिए यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि अंदर जाने का अलाउड नहीं है फोन, क्योंकि सावन का महीना है इसलिए। और देखिए भक्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए आप ये मत सोचिएगा कि सावन में आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आइए आप, एकदम आराम से आपको दर्शन मिलेगा। क्योंकि चारों तरफ से मतलब श्रद्धालु जा रहे हैं और काफी अच्छे ढंग से दर्शन हो रहा है। और देखिए जगह जगह पे प्रशासन अपना लगा हुआ है और देख ही सकते हैं कि किस मात्रा में मतलब भीड़ है। आपको जिस हिसाब से लग रहा हो काफी भीड़ होगा, भीड़ है, लेकिन उस हिसाब से भक्त मतलब दर्शन करके निकल भी जा रहे हैं। और देखिए पूरा टीन शेड वगैरह सब ये लगा हुआ था पहले से ही, जिससे काफी आराम है श्रद्धालुओं को। और देखिए ये पूरा भारत माता का ये प्रतिमा है। और देखिए रेस्टोरेंट वगैरह इसमें आप खा सकते हैं और जगह जगह पे यहाँ पे आपको भंडारा भी मिलेगा। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे पुष्प वर्षा भी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। और देखिए आपको दिखा रहे हैं कॉरिडोर। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सावन महीने में आइए, एकदम बिल्कुल दर्शन कीजिए महादेव के। और काशी में जगह जगह आपको और भी अच्छा लगेगा क्योंकि सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब चलिए आइए आपको चलते हैं नीचे भी आपको दिखा देते हैं घाट साइड से। और देखिए गंगा द्वार, अगर आप गंगा द्वार से भी आते हैं तो वहां से सिस्टम बनाया गया है, उसी हिसाब से आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और देखिए पुष्प वर्षा हुई थी, उसी का पुष्प है पूरा गिरा हुआ है। और देखिए काफी अच्छे से आपको दर्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, अगर ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल आराम से आप बैठ सकते हैं, जगह जगह बैठने वाला सिस्टम है, हर जगह सुविधा है। और देख ही सकते हैं यहां से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हर जगह देखिए आपको गार्ड देखने को मतलब गार्ड्स देखने को मिलेंगे और प्रशासन हर जगह आपका सपोर्ट करेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं करेगा। और देख ही सकते हैं बहुत ही सही सिस्टम लगाया गया है इस बार कि कोई भी परेशानी ना हो। बस ये कि फोर व्हीलर लेकर अगर आप आ रहे हैं तो दिक्कत हो सकता है, फोर व्हीलर हर जगह बैन किया गया है, हर जगह बंद है फोर व्हीलर। और देखिए इसमें SBI बैंक भी खुला हुआ है और कैनरा बैंक, इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। अब चलिए अब घाट की साइड चलते हैं और घाट के साइड से आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप जमामा करके आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। और देखिए गंगा द्वार, गंगा द्वार पे काफी भक्त मतलब जुटे हुए हैं। और देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए यही पूरा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो गंगा जी का भी पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप बिल्कुल आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दर्शन करने में। देखिए बाहर से बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए, बस नाव थोड़ा सा बंद हो गया है, पानी का लहर काफी तेज चल रहा है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का देखिए यहीं तक का मैं दृश्य दिखा सकता हूँ।
बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आप सावन माह में एकदम बिल्कुल आराम से दर्शन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल आइए यहाँ पर, और देखिए पानी का लेयर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और भी बढ़ेगा, घाट डूब जाएगा बहुत सारा। अगर आप काशी घूमना चाहते हैं तो इधर भी जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।